हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड, मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट्स फ्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल हैज थ्री वर्टिसेस, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर मुझे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को, तो मैं कैसे करूंगी? डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये, इक्वल्स टू हाफ। डिटर्मिनेंट के लिए हम ये लगाते हैं x1 x2 x3 फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, y1 y2 y3 सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड कॉलम इज 1। तो अगर हम हाफ इनटू दिस डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की। ठीक है, सो आपको अगर कोई भी तीन वर्टिसेस गिवन है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, तो सिंपल तरीका है हाफ को इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दो। x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू डाल के सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, आप ये जानते हैं कि एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी एरिया नेगेटिव नहीं आता। सो अगर आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो आपको एरिया निकालने के लिए उसका मॉडुलस लेना है। मीन्स अगर -3 वैल्यू आ रही है तो आप मॉडुलस ले लीजिए, तो आपका क्या आएगा आंसर? 3 स्क्वायर यूनिट्स। -3 स्क्वायर यूनिट्स कभी आंसर नहीं होगा, बिकॉज एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यही मेरा फर्स्ट पॉइंट है, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मींस मॉडुलस लेना है डिटरमिनेंट का। ठीक है, सेकंड, अगर आपको एरिया गिवन है, सपोज आपको एरिया गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स, आपको एरिया गिवन है। ठीक है, आपको अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू कंसिडर करनी है तो आप दोनों करेंगे +3 -3, क्योंकि जो हमने एरिया लिया है आपको नहीं पता कि आपने -3 का मॉडुलस लिया है या 3 का मॉडुलस लिया है। तो आपको अगर कभी भी एरिया गिवन हो तो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए हाफ, दैट मींस हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू आप क्या लेंगे? +3, दोनों कंसिडर करेंगे। अगर आपको एरिया गिवन है तो, एरिया 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है तो आप +3 कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने मॉडुलस किसका लिया है, +3 का या -3 का। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट का मॉडुलस लेना है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है कि एरिया इतना है और आपको डिटर्मिनेंट में कोई के निकालना है, हम एग्जाम्पल्स से देखेंगे, तो आपको दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू +3 कंसिडर करना है। ठीक है, यही मेरा सेकंड पॉइंट है। अगर आपको एरिया गिवन है, एरिया इज गिवन, देन वी यूज बोथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना है, एरिया गिवन है, तो आप एरिया की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, एरिया निकालना है, तो उसके लिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। थर्ड पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर मींस पॉइंट्स लाए ऑन सेम लाइन, वो पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन में लाए करें। सपोज ए बी सी स्ट्रेट लाइन में लाए करते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे तो आप क्या उसका एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का? एरिया निकालने के लिए कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोई ट्राइंगल बनना चाहिए। कैसा?
अगर कोलिनियर पॉइंट्स है मींस पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? जीरो। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए अगर वो किसी दो पॉइंट पे पास कर रही है। सपोज दो पॉइंट्स है मेरे पास ए एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट है एक्स टू वाई टू। ठीक है, सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो आई मीन दीज टू पॉइंट्स, दिस इज ए एक्स वन वाई वन, दिस इज बी एक्स टू वाई टू। सो यू हैव टू टेल इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, अगर हमने पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट इस लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, तो क्या होगा? ए पी बी क्या बन गया मेरा? ए पी बी क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालते कोलिनियर पॉइंट्स का, वो क्या होता है? जीरो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने कैसे निकाला था? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, हाफ ऑफ, आप देखो इसके क्या है, एक्स वाई है, अब क्या आ जाएगा, एक्स वन एक्स एक्स टू वाई वन वाई वाई टू वन वन वन, ये किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल। ठीक है, सो यहां से हाफ उधर चला गया तो ये क्या बन गया, एक्स वन एक्स एक्स टू वाई वन वाई वाई टू वन 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 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में आएगा, इक्वल्स टू जीरो करेंगे, सो वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर? एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल 17 एनसीईआरटी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस आपको गिवन है, ए वर्टेक्स क्या है 3 8, बी क्या है माइनस 4 2, सी क्या है 55 1। ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए क्या होता था, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये होता था फॉर्मूला, इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पे x1 क्या है 3, x2 क्या है माइनस 4, x3 5, y1 8, y2 2, y3 1, और यहाँ पे 1 1 1। जस्ट इसे सॉल्व करना है, इक्वल्स टू हाफ। ओके, हम कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में, जहां पे भी आपको लगे सिंप्लीफिकेशन इजी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं, थ्री थ्री कंसिडर करूंगी तो टू माइनस वन माइनस एट, सो माइनस एट लूंगी तो माइनस फोर माइनस फाइव, प्लस वन प्लस वन करेंगे तो माइनस फोर माइनस टेन। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं, थ्री माइनस एट इंटू माइनस नाइन माइनस फोर्टीन, सो ये क्या आ गया हाफ, माइनस इलेवन प्लस सेवेंटी टू दैट इज सिक्सटी वन बाय टू स्क्वायर यूनिट्स। अगर ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव में आती तो मैं क्या लेती, मॉडुलस, क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर हो गया 61 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसके लिए आप पार्ट वन रेफर कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स का। एग्जाम्पल 18, इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, दूसरी आपको के की वैल्यू निकालनी है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपको, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए पॉइंट आपको गिवन है 1 3,
बी पॉइंट आपको गिवन है 0 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालनी है। सो लास्ट पॉइंट देखा था हमने नोट का, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी ये निकालना है, उसके लिए हम क्या कंसिडर करते थे, कोई भी पी पॉइंट, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कहीं पे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। सो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सो एरिया क्या होगा हमारा ट्राइंगल का, 0, इट मीन्स हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करो, 1x0 1x0, y1 y2 y3 3y0 3y0, और लास्ट में क्या होता है 1 1 1, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इट मीन्स हाफ इधर गया, हमें क्या मिला 1x0 3y0 1 1 1, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में आएगी, वो हमारी क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी, ठीक है। सो मैं लास्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, मुझे दिख रहा है कि ये दोनों 0 है, तो मुझे सिर्फ यही निकालना है, मीन्स 0 3 - y - 0 × 1 - x + 1 × y - 3x। आप किसी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए जहां आपको देखिए कैलकुलेशन इजी है, जहां 0 0 होता है इट मींस ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, मुझे क्या मिला लास्ट क्वांटिटी। सो y इक्वल्स टू 3x मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व सिंपल, आपको कोई भी ऐसा निकालना इक्वेशन ऑफ लाइन, सो आप कोई भी P पॉइंट कंसिडर कर लीजिए उस लाइन के ऊपर, और वो तीनों पॉइंट्स क्या बनेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, तो एरिया को इक्वल्स टू 0 रख दो एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इस 3 स्क्वायर यूनिट्स आपको गिवन है, आपको K की वैल्यू निकालनी है। A क्या गिवन है 1 3, B क्या गिवन है 0 0, और D पॉइंट आपको क्या गिवन है K 0, और एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आपको गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट्स, आपको K की वैल्यू निकालनी है। सो डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरा, हाफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मीन्स 1 0 के, y1 y2 y3 3 0 0, एंड लास्ट में 1 1 1, ये किसके इक्वल है 3 स्क्वायर यूनिट्स। आप हमने सेकंड पॉइंट देखा था, अगर आपको एरिया गिवन हो पॉजिटिव में गिवन होगा, सो अगर आप डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दैट एरिया लिखेंगे तो आप वो दोनों वैल्यूज लेंगे, +3 and -3 दोनों कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये देखा था क्योंकि आपको नहीं पता ये एरिया जो आया है ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आया है, ये -3 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। सो आपको एरिया गिवन हो तो आपको दोनों वैल्यूज कंसिडर करनी है। सो यहां से देखो, यहां से मुझे क्या मिला, डिटर्मिनेंट 1 0 के 3 0 0 1 1 1, ये किसके इक्वल हो गया, +6 के -6 के, ये उधर गया मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, सो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब मैं कहां से करूं, अगर मैं सेकंड कॉलम से सॉल्व करती हूँ, ये दोनों 0 है, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सेकंड कॉलम से सॉल्व करती हूँ। सो मैं लेती हूँ 3 3 × ये हटा देना 0 - k है ना, बाकी तो 0 ही है, -0 × something आएगा, ये क्या आएगा, इसको लेंगे -0 × 1 - k +0 × क्या आएगा, और ये वाली कंसीडर करूंगी तो मैं 1 - 0, ठीक है। सो ये क्या आ गया -3 के किसके इक्वल है, +-6 के इक्वल,
ये प्लस माइनस सिक्स है, सो एक बार हम माइनस थ्री के को सिक्स के इक्वल रखेंगे, एक बार हम माइनस थ्री के को माइनस सिक्स के इक्वल रखेंगे। सो के यहाँ से क्या आ गया माइनस टू, के यहाँ से क्या आ गया टू। जब हमने प्लस सिक्स रखा तो मेरी नेगेटिव वैल्यू आई, जब मैंने माइनस सिक्स रखा तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आई। सो हमने यहाँ पे प्लस माइनस सिक्स रखा था, हमारा क्या आया के उसके रिस्पेक्ट में माइनस प्लस टू। मीन्स जब हमने प्लस सिक्स रखा तो माइनस टू वैल्यू आई और माइनस सिक्स रखा तो प्लस टू वैल्यू आई। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं लिखना, अलग अलग भी लिख सकते k equals to minus 2 and k equals to plus 2। सो ये आपका आंसर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे या आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।